गुनगुन हमेशा अपने घर के सामने से एक बड़े विशाल हाथी को जाते हुए देखती है। आज फिर हाथी आया है, लगता है ये दूसरे गांव जा रहा है। माँ देखो ना, ये कितना सुंदर है। माँ इसे भी कुछ खिलाओ ना। अरे गुनगुन बेटा, इतनी गरीबी में हमारे खुद के खाने के लाले हैं, और तू इस विशाल हाथी को भोजन कराना चाहती है? पागल हो गई है क्या? गुनगुन का हमेशा दिल करता कि वो भी हाथी को रोके और भोजन कराए। गांव के बड़े बड़े लोग उसे अपने घर बुलाते थे और भोजन कराते थे। यह देखकर गुनगुन बहुत खुश होती थी। हाथी बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है, सब लोग अपने घर बुलाकर बहुत कुछ खिलाते हैं। कोई केले खिलाता है, कोई खीर खिलाता है, कोई हलवा पूरी खिलाता है। भगवान मुझे भी हाथी की सेवा करनी है। काश हमारे पास भी अच्छे पैसे हो जाएं, तो मैं भी हाथी को दावत पर बुलाऊंगी। गुनगुन की ये चाहत देखकर उसकी माँ को उस पर बहुत प्यार आता है। वो हर रोज एक एक पैसा जमा करने लगती है। हे भगवान, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, परदेश में इसके बाबूजी दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। जो भी पैसा मैं मजदूरी करके कमाती हूँ, जैसे तैसे गुजारा कर पाती हूँ। हे प्रभु, अपनी बेटी की खुशी के लिए चंद सिक्के रोज बचाऊंगी। आपके भोग की जगह एक दिन इस हाथी का भोग लगाऊंगी। ये भी तो भगवान का ही रूप है, ये भी तो आप ही का अंश है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे। उसकी खुशी के लिए एक एक सिक्का हर रोज जोड़ूंगी। भगवान उसकी ये इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करो। गुनगुन की माँ मजदूरी करके जितने भी पैसे कमाती, उसका एक सिक्का हर रोज जमा करती। एक दिन जब गुनगुन की माँ के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं और गुनगुन का जन्मदिन आता है, तो वो गुनगुन से कहती है, गुनगुन कल तेरा जन्मदिन है बेटा। हाँ माँ, कल मेरा जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ। सच ना, तू खुश है ना? ये ले तेरी नई किताब, तेरी नई फ्रॉक, और ये मैं कहना चाहती थी कि वो जो हाथी है ना, जो हर रोज यहाँ से निकलता है, कल उसे दावत पर बुला ले बेटा। मैं हलवा पूरी बनाऊंगी उसके लिए, उसे जरूर खिलाना। क्या सच कह रही हो माँ? तुमने तो कहा था हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं। हाँ कहा था, लेकिन मैंने एक एक पाई जमा करके उसके लायक थोड़ा सा अनाज भी इकट्ठा कर लिया है। कल हम उसे दावत पर बुला ही लेते हैं। सच माँ? गुनगुन बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन हाथी को दावत पर बुलाती है। हाथी और उसका मालिक दावत पर आते हैं। गुनगुन उन्हें हलवा पूरी खीर सब कुछ खिलाती है और खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। शुक्रिया माँ, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं सच में चाहती थी कि हाथी राजा हमारे घर आए और हलवा पूरी खाएं। आलू कचालू, सब्जी ले लो सब्जी, आलू ले लो आलू, बैंगन कचालू ले लो रे। गंगू ताई बहुत बढ़िया ताजी ताजी सब्जियां बेचा करती थी। उसे सब्जियों से बातें करने में भी बहुत मजा आता था। थक हार कर एक दिन गंगू ताई एक पेड़ की छांव में बैठ गई। अरे अरे मैं तो बहुत थक गई रे। अरे मेरे आलू कचालू, कैसे हो तुम? अब तुम ही बचे हो और ये थोड़ा सा बैंगन बचा है, तब तक थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जल्दी ही कोई ग्राहक मिलेगा, तुम्हें ले जाएगा और फिर मैं घर जाऊंगी। थकी हुई गंगू ताई पेड़ के नीचे आराम से सो जाती है। अचानक उसकी गहरी नींद में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे कौन रो रहा है? अरे आलू कचालू, तुम टोकरी से बाहर खड़े हुए हो और रो भी रहे हो, क्या बात है? तुम बाहर कैसे आए? तुम हमें रास्ते में ही छोड़ आई, ध्यान भी नहीं दिया। जब तुमने टोकरी उतारी तो झटके से हम दूर जाकर गिरे, और जानती हो कितनी चोट आई है? पत्थरों की ठोकर से बहुत सारी खरोचे।
अरे अरे मेरे आलू कचालू, तुम रोते क्यों हो? लो तुम्हें बैंगन के साथ सुला देती हूँ। मैं भी सो रही हूँ, आराम करो, थोड़ी देर में तुम्हें दर्द में आराम आ जाएगा। आलू कचालू को प्यार करके वो बैंगन के साथ फिर से टोकरी में रख देती है और दोबारा सो जाती है। आलू कचालू भी थक चुके थे, उन्हें इतना प्यार मिल चुका था कि अब उन्हें सहलाते सहलाते बैंगन, आलू, कचालू सभी सो गए। जब थोड़ी देर बाद एक ग्राहक आया तो उसने आवाज लगाई, गंगू बहन जरा उठोगी? कौन कौन है? अरे बिमला मौसी तुम? हाँ, मेरे घर दावत है, मुझे आलू कचालू और थोड़े से बैंगन चाहिए, कैसे दिए? अरे ले जाओ बहन, ऐसी कोई बात नहीं, जो तुम दोगी ले लूंगी, मगर हाँ जरा प्यार से पकाना। देखो अब बड़े खुश लग रहे हैं मेरे आलू कचालू, क्या बात है, सब ठीक है ना? तभी आलू कहता है, हाँ हम बहुत खुश हैं और हम जाने को तैयार हैं। आलू कचालू और बैंगन को बेचकर गंगू ताई अपने घर को चली और आलू कचालू और बैंगन एक नए घर की तरफ चल पड़ते हैं। हमारा क्या है, हमें प्यार मिले तो हम हंस देते हैं, प्यार से क्या डरना, प्यार में तो बहुत शक्ति होती है, आलू के बिना कोई सब्जी नहीं बनती, इसीलिए सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए अब मैं हंसता ही रहता हूँ। एक जंगल में छोटू नाम का चूहा रहता था, जंगल के सभी जानवर उसे तंग करते थे और कोई उसे दोस्त नहीं बना रहा था, वो अकेला अपने बिल में रहा करता था। एक दिन जब छोटू अपने बिल के पास खाना लेने गया तब उसे एक सांप दिखाई दिया, उस सांप को देखकर डर गया और भागने लगा, भागो 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 भागो। तभी सांप ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत बीमार भी हूँ, दोस्त क्या तुम मेरी मदद करोगे? ओह, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। छोटू भागता हुआ सांप के लिए खाने के लिए लेकर आता है, सांप ने खुशी खुशी खाना खाया और फिर कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी मदद की है, सच में मेरे मुँह से तुम्हारे लिए दोस्त निकला, बिल्कुल ठीक निकला, तुम दोस्त हो। तुम यहाँ आराम करो और जल्दी ही ठीक हो जाओ। सांप छोटू को बार बार शुक्रिया करता है, दोनों ने काफी देर तक बातें की, हर रोज छोटू अब सांप के लिए खाना लेकर आने लगा और धीरे धीरे सांप की तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी और वो दोनों बहुत अच्छे पक्के दोस्त भी बन गए। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहते हो तुम? छोटू ने सांप को बताया कि कैसे बाकी जानवर उसे तंग करते हैं। यह सुनकर सांप ने छोटू की सुरक्षा करने के लिए वादा किया और उसके बिल के पास ही रहने लगा। इस प्रकार छोटू और सांप मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे, एक दूसरे के साथ खाते पीते और एक दूसरे की सुरक्षा भी करते। सांप को छोटू का दोस्त देखकर बाकी जानवर समझ गए कि अब छोटू से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए बाकी जानवरों ने छोटू को तंग करना भी बंद कर दिया। तब छोटू ने कहा, अरे दोस्त तुम्हारे यहाँ आने से बहुत फायदा हो गया, दोस्त भी मिल गया और देखो ना अब कोई जानवर मुझे तंग नहीं करता, भगवान तुम्हारी सेहत बस हमेशा ठीक रहे, तुम बीमार हो गए तो बहुत डर लगता है। नहीं दोस्त, तुम जैसा दोस्त पाकर मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक जंगल में हाकू नाम का शेर रहा करता था, जंगल का राजा हाकू खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता था, उसका एक दोस्त भी था जिसको हक्कू अपने दिल की हर बात बता दिया करता था। एक दिन जब हक्कू शिकार करने निकला तब हक्कू की गैर मौजूदगी में किसी ने हक्कू की पत्नी को मार डाला, हक्कू अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी था। एक दिन जब हक्कू को एक जरूरी काम के लिए जाना था तब हक्कू ने अपने दोस्त को उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए कहा, मेरे दोस्त तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। बिल्कुल हक्कू, चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। हक्कू का दोस्त
असल में बहुत शातिर और बुरा था। उसी ने हक्कू की बीवी को भी मारा था और वह उसके बेटे को भी मार डालना चाहता था। आओ बच्चे, आज तुम्हें मारने का समय आ गया है। बस अब तुम्हारे पापा हक्कू को मारने के लिए देर नहीं लगेगी। फिर इस जंगल में सिर्फ मेरा राज होगा। ऐसा कहकर वह हक्कू के बेटे को मार देता है। यह सब करते हुए तोता पेड़ से देख लेता है। वह तुरंत उड़कर हक्कू को ढूंढता हुआ जाता है और उसे सारी बात बताता है कि उसके दोस्त की सच्चाई क्या है। हक्कू को तोते की बात पर विश्वास ही नहीं होता और नदी के पास जाता है। हक्कू का दोस्त हक्कू को ढूंढता हुआ नदी के पास पहुंच जाता है। अपने दोस्त की परछाई नदी में देखकर हक्कू को तोते की बात पर विश्वास हो जाता है और वो पलटकर अपने दोस्त को हैरानी से देखता है। दोनों के बीच खूब युद्ध होता है, लेकिन अंत में वो अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है और उसके बाद एक अच्छे दोस्त को खोने का, अपनी पत्नी और बेटी को खोने का उसे हमेशा मलाल रह जाता है। काश मैंने अपने दोस्त पर विश्वास न किया होता तो आज मेरा बेटा, मेरी पत्नी मेरे साथ होते। हक्कू जाकर तोते का धन्यवाद देता है क्योंकि आज उसी की वजह से उसकी आंखों पर पड़ा विश्वास का पर्दा हट चुका था।